दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत देश के 5 कानूनी अधिकारों के बारे में जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में बताया है कि अपने अधिकार मांगो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसे में हम सभी देशवासियों को अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं भारत देश के 5 कानूनी अधिकारों के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, आप किसी भी होटल में फ्री में पानी पी सकते हो और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हो। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार आप भारत देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हो और उस होटल का वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हो। होटल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या होटल का कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप होटल की शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है और होटल को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नंबर 2, LPG सिलेंडर का होता है 40 लाख का बीमा। आपकी गैस सिलेंडर का 40 लाख रुपए का बीमा भी होता है। अगर आपका सिलेंडर फट जाए और उससे कोई हादसा हो जाए तो आप इस बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हो। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 100 से भी ज्यादा हादसे सिलेंडर फटने से होते हैं। दोस्तों बीमा क्लेम पाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की सूचना देनी होगी और गैस एजेंसी में शिकायत करनी होगी। LPG सिलेंडर फटने से अगर कोई इंसान घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति के लिए बीमा कंपनी पैसे देती है और घर का नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे। नंबर 3, शाम के 6 बजे के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के अनुसार शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले भारत की पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे महिला ने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करा हो। अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है या फिर उस पुलिस अधिकारी को जेल भी हो सकती है। नंबर 4, गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। मालिक को 3 महीने पहले नोटिस देना होगा और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर प्रेग्नेंट महिला को नौकरी से मालिक निकाल दे तो उसके खिलाफ शिकायत कराई जा सकती है। इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर 5, पब्लिक प्लेस पे किस करना या गले मिलना कोई अपराध नहीं है। दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को किस या उससे गले मिलते हो तो आपको कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, पर दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर से जबरदस्ती करते हो तो आपके खिलाफ शिकायत कराई जा सकती है। और दोस्तों अगर आप किसी भी पार्क में या पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील काम करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 3 महीने की जेल काटनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थे वो अधिकार जो आपको पता होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।